भी कटाव करके यहाँ बांध तक चली आई। यदि इस वर्ष भी कटाव होता है अगले पखनाहा को भी नदी अपने गोद में नहीं है साथियों, उनको यहाँ से जो है काट कर जो है दूसरे जगह ले जाने का उनका यही मानसिकता है कि उनका गोदाम जो है नजदीक में पड़ेगा, इसलिए गोदाम को चमकाने के लिए यह कार्रवाई किया जा रहा है। यह जो है सांसद महोदय के द्वारा सत्ता जो है यहाँ नहीं आएंगे सांसद महोदय 2000 लोकसभा चुनाव के समय, तो निश्चित तौर पर आपको तैयार होना होगा और उनके आवाज को हम घेरेंगे। घेरा डालो जब तक फूल नहीं बनेगा तब तक उनके आवाज को हम घेर कर जो है या हम आवाज को घेरेंगे, हम जिला मुख्यालय को घेरेंगे और जाम करेंगे। हम यही जो है बात करते हुए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन पूल का काम रुकेगा नहीं। हम जो है इस आंदोलन को नहीं तो वोट नहीं। प्रखंड के तमाम जनता के जो जरूरत के चीजें हैं उसके संघर्ष में हमने अग्रणी स्थान निभाए हैं, जिसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा है। तो हम जो है यहाँ पर तमाम उपस्थित जो है खास करके सहूलियत के रूप में होगा और यहाँ के इस पंचायत के इस प्रखंड के तमाम लोगों ने भाजपा को ही वोट दिए हैं, चाहे यहाँ जो है विधायक प्रत्याशी नारायण साह हो या आपको सांसद संजय जायसवाल जी हो, उनके पिताजी से लेकर आज तक हम लोग जो है उनका सम्मान करते आए हैं, उनको जो है कुर्सी पर बैठाने का काम किए हैं, इसलिए कि हमारी जो समस्या है उस समस्या को जो है वो काम करेंगे। लेकिन आप जो है आप देख रहे हैं आज पुल निर्माण संघर्ष समिति के जब लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो है टीवी पर देखने का मन कर रहा है, इसलिए आप लोग जो है यह काम कर रहे हैं, आप टीवी पर देखने वाले लोग हैं। तो हम कहना चाहते हैं इस संघर्ष के तूफानों में जितने भी नौजवान हैं, संजय जायसवाल जी टीवी पर तो बैरिया प्रखंड के जनता ने आपको दिखाने का काम किए हैं, आप देखने वाले नहीं है, लेकिन टीवी पर से उतारने का भी इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में ही जनता करेगी जब तक जो है पुल का जो है काम शुरू नहीं हो जाता है। हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि शिलान्यास 2019 में किया गया पुल का और जो है कहा गया कि डीपीआर जो है तैयार हो रहा है। यहाँ पर जितने भी सम्मानित लोग हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हमारे युवा कर करता है। हम कहना चाहते हैं यहाँ जनप्रतिनिधि लोग हैं, पहले जो है पराकलन तैयार होता है जिसको डीपीआर को कहते हैं, एस्टिमेट बनता है तो जो है शिलान्यास होता है। लेकिन हम सांसद महोदय से हम कहना चाहेंगे कि सांसद महोदय जी कब तक आप जो है जुमलाबाजी करते रहेंगे, कब तक झूठा आश्वासन देते रहेंगे। आप जो है पहले जो है एस्टिमेट बनता है, डीपीआर तैयार होता है तब तो उद्घाटन होता है, आप जो है बैठे बैठे वहाँ आपके जो है मंत्री पथ निर्माण मंत्री जो है केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा जो है रक्सौल में उद्घाटन कर दिया जाता है और उद्घाटन का बोर्ड पर लिखा रहता है कि बेतिया से पखनाहा बाजार होते हुए तुमको ही उत्तर प्रदेश तक जाने वाले रोड का पुल का निर्माण का शिलान्यास किया गया आपको 11/2/2019 को। लेकिन आज लगभग 5-6 बरस हो गया लेकिन अभी तक पुल को जो है नहीं काम शुरू हुआ, ना जो उसमें कोई आपका जो है जनता के बीच आपको बात नहीं रखे। हम कहना चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण के बाद ही आपको जो है एस्टिमेट बनता है जिसको डीपीआरओ कहते हैं, जिसको जो है आप जनता के बीच कह रहे हैं कि डीपीआर तैयार नहीं हुआ। हम कहना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि बहुत सारे जंगल पड़ जा रहा है पुल बनाने में, तो जो है जनता की जरूरत है, जनता की जो है आज हजारों एकड़ जो है जमीन में लगे फसल हर साल जो है देहराती क्षेत्र में बाढ़ में बर्बाद हो जाता है, उसका जवाबदेह कौन है। आज पुल बन जाता तो यह समस्या नहीं होता, आज जो है नदी कटाव करके
यहाँ बांध तक चली आई। यदि इस वर्ष भी कटाव होता है अगले माह तो शायद पखनाहा भी नदी पखनाहा को भी नदी अपने गोद में ले लेगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम कहना चाहते हैं साथियों, यहाँ के सांसद और विधायक जो है केवल जो है कुर्सी पर बैठकर जो है अपनी को रोटी सेकने में लगे हुए हैं, आपके जो समस्या है सुनने वाले नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि पुल बन जाने से जो है यहाँ के तमाम इस क्षेत्र के लोगों को जो है आज गोपालगंज होकर आपको गोरखपुर जाना पड़ता है, इमरजेंसी होता है तो 6-7-8 घंटा समय लगता है, लेकिन यह पुल बन जाएगा तो आसानी से लोग आपको गोरखपुर जो चले जाएंगे। हम कहेंगे कि आपको जंगल कितना पड़ता है वहां बात नहीं है साथियों, पुल को यहां से जो है काट कर जो है दूसरे जगह ले जाने का उनका यही मानसिकता है कि उनका गोदाम जो है नजदीक में पड़ेगा, इसलिए गोदाम को चमकाने के लिए यह कार्रवाई किया जा रहा है। यह जो है सांसद महोदय के द्वारा साथियों, हम कहेंगे कि आपने जो है कई हजार लोगों को जो है मंदिर के नाम पर घर उजाड़ दिए, लेकिन जो है जंगल को कटाई जो है कुछ जो है कितने हजार लोग का जो है फायदा हो जाएगा, इसके लिए आपका जंगल जो है कट जाएगा कुछ जो है, तो यह आप कर सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे साथियों, यह लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, हम जो है यहाँ के सभा कर देने से जो है पुल नहीं बनेगा। यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी सम्मानित बंधु हैं, जितने भी संघर्ष के तूफान में खड़े साथी हैं, हम उनसे कहेंगे कि इस आंदोलन को जो है और गति देने की जरूरत है। आप संसद में बैठकर आप जो है कह रहे हैं, टीवी में देखने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे यह जनता जो है आप टीवी से जो है यही नौजवान आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम यह कहना चाहते हैं पुल नहीं जब तक बनेगा तब तक अब जुमला और आश्वासन ये लोग सहने नहीं जा रहे हैं। आप पुल के नाम पर कितने दिन तक जुमलाबाजी करेंगे या बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है साथियों। तो इस आंदोलन को जो है यहाँ से जो है हम जिला तक घेरेंगे और समय पड़ेगा तो आपसे कहना चाहते हैं कि यही जनता जो है जो बिजली जो है कागज में लगा था, तो यहाँ के माननीय विधायक हमारी मुनोरमा जी थी, तो हम जो है उनके जो है आवास के घेरे थे, तो यह समस्या है पुल, पुल के नाम पर तमाम लोगों से हम आश्वासन करते हैं कि आप जो है निश्चित तौर पर जो है यहाँ नहीं आएंगे सांसद महोदय 2000 लोकसभा चुनाव के समय, तो निश्चित तौर पर आपको तैयार होना होगा और उनके आवास को हम घेरेंगे। घेरा डालो जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक उनके आवास को हम घेर कर जो है या हम चैलेंज करेंगे और निश्चित तौर पर जो है इस आंदोलन और कार्रवाई को तेज किया जाएगा। और जो है आश्वासन दिया जाता है DPRO शिलान्यास और भूमि अधिग्रहण का खेल बंद कीजिए, हमारा नारा है पुल बनाने का जल्द पर बंद कीजिए, जल्द जो है उसका सामग्री गिरवाइए, पुल बनवाइए, तब यह जो है नौजवानों का कारवा रुकेगा, नहीं तो यह सो जो सभा कर रहा है। संजय जायसवाल जी, आपको लगता था कि यह 10-20 नौजवान है, यह जो है इसी तरह करते रहेंगे पीछे हट जाएंगे, इनका यही जो है टीवी पर आने का मन है, तो वह बात नहीं है। इस नौजवानों को जो है आपको पुल दिखाई दे रहा है और पुल जब तक जो है नहीं बनेगा तब तक यह जो है आंखें फाड़ कर देख लीजिए, यह जनता जो है आज हजारों के संख्या में आज पखना हाई स्कूल के प्रांगण में है, यह जनता निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो है पुल का समय काम शुरू नहीं किया गया तो आपके जो है आवाज को घेरेंगे, हम जिला मुख्यालय को घेरेंगे और जाम करेंगे। हम यही जो है बात करते हुए अपनी जो है यहाँ पर तमाम नौजवान साथी है उनसे हम अपील करेंगे, बंधुओं से अपील करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक पार्टी तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से हम अपील करेंगे कि आप जानते हैं जब जब नौजवान इस देश में आ गया है तब तब बदलाव हुआ है, चाहे वह जेपी आंदोलन हो या देश की आजादी हो, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन पुल का काम रुकेगा नहीं, हम जो है इस आंदोलन को और तेज करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः एक बार कहेंगे कि इस आंदोलन को और तेज कीजिए, इंकलाब जिंदाबाद, वोट नहीं तो वोट नहीं।
के जनता जिंदाबाद, आर्यप्रखंड के जनता जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद।